त्रिकोण आसन। इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। यह आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं, हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों, तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़।
इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांग पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं।